वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको MHI-04 का जो ब्लॉक है अर्ली स्टेट फॉर्मेशन, उसका यूनिट 1 प्री स्टेट टू स्टेट की फर्स्ट पार्ट में समरी थोड़ी सी प्रोवाइड कराई थी, जिसमें जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो थे इंट्रोडक्शन, आवर सोर्सेस प्री स्टेट टू स्टेट इन अर्ली इंडिया, सम प्रॉब्लम्स टू कीप इन माइंड एंड द अर्ली वैदिक कंटेस्ट। आज जो टॉपिक्स हम फर्दर करने जा रहे हैं वो है द अर्ली वैदिक सिनारियो, जिसके अंडर है द ब्राह्मण एंड द राजा, व्हाट हैपन टू द विज, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड देयर इम्प्लीकेशन, द ज्वेल्स ऑफ द रेल्म। उसके साथ आपका आएगा अर्ली हिस्टोरिक तमिल पॉलिटी एज डिस्क्राइब्ड इन संगम लिटरेचर और प्री स्टेट सिचुएशन इन साउथ इंडिया। तो यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि इग्नू की बुक में किस टाइप से ये टॉपिक दे रखा है। आप देख सकते हैं द लेटर वैदिक सिनारो के अंडर जो जो टॉपिक्स हैं वो सारे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ। तो आज हम प्री स्टेट सिचुएशन इन साउथ इंडिया तक करेंगे और जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने समरी कैसे बनाई है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो टॉपिक मैंने दिखाया है वो है द अर्ली वैदिक सिनारियो, उसमें है द ब्राह्मण एंड द राजा। आप देख सकते हैं उसके बाद जो टॉपिक की समरी मैंने बनाई है वो है व्हाट हैपन टू विज, इसमें विज क्या थे, कौन थे, उनका काम क्या था, वो सब मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद जो रिचुअल्स फॉलो होते थे, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस, वो इस टॉपिक में मैंने डिस्कस किया, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इस पर ये टॉपिक पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है मैंने। उसके बाद आपके हैं द ज्वेल्स, तो ज्वेल्स जो होते थे उन्हें बोलते थे हम रत्नी माम वस्मिमसी, वो रतन कहलाते थे, तो उनका क्या बेसिकली काम होता था यहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अगर आप लोगों को नहीं क्लियर हो या नहीं ठीक से दिखाई दे रहा हो मेरे वीडियो में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, पहले तो आपका ज्वेल्स ही है और अगला टॉपिक है अर्ली हिस्टोरिक तमिल पॉलिटी एज डिस्क्राइब्ड इन संगम लिटरेचर, जो तमिल का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो इसमें मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। जो किंगडम्स यहाँ पे रूल जिन्होंने किया है उनको मैंने डिस्क्राइब किया है, जैसे कि पहला आप देख सकते हैं चेराज है, उसके बाद आपके चोलाज हैं, उसके बाद आपके पंड्याज हैं, और उसके बाद जो मैंने डिस्कस किया उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मतलब हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम पे इन तीनों डायनेस्टीज़ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था वो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है, कौन कौन से पोस्ट थी उस टाइम पे, उन्हें क्या बोला जाता था, यहाँ पे ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो प्री स्टेट सिचुएशन इन साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में प्री स्टेट सिचुएशन कैसी थी, मतलब चोला पांड्यास और चेरा ने किस तरीके से उन कहाँ से कहाँ तक वो स्प्रेड थी उनकी डायनेस्टी, किस टाइप का रूल था, ये सब मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो विजिबल होगा। मैं दोबारा से स्क्रॉल कर देती हूँ। पहला टॉपिक है द
लेटर वैदिक सिनारियो उसके अंडर आ रहा है द ब्राह्मण एंड द राजा। उसके बाद अगला टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू विज। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपका है कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड देयर इम्प्लिकेशंस। उसके बाद है द ज्वेल्स ऑफ द रेल्म। उसके बाद है अर्ली हिस्टोरिक तमिल पोलिटी एज डिस्क्राइब्ड इन संगम लिटरेचर। उसके बाद है जो पोलिटीज जो डिस्क्राइब कर रखी है उसमें पहला टॉपिक है द चेराज का, दूसरा टॉपिक है द चोलास का, और जो तीसरा टॉपिक है वो पांड्यास का है। फिर है द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स। और जो लास्ट टॉपिक है वो प्री स्टेट सिचुएशन इन साउथ इंडिया है। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल, और जो बेल आइकन है प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।